पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि के विरोध में किया गया प्रदर्शन। करिश्मा ठाकुर ने कहा, विधानसभा चुनाव में जनता इनको सबक सिखाने का करेगी काम। शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में गोविंद नगर विधानसभा पूर्व प्रत्याशी करिश्मा ठाकुर के नेतृत्व में डबल पुलिया काकादेव स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। आरोप लगाते हुए पूर्व प्रत्याशी करिश्मा ठाकुर ने कहा कि बंगाल चुनाव में हार के बाद हार की जनता से बदला लेने के लिए 2 तारीख से लगातार मोदी सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के कारणों से सभी जगह महंगाई होती जा रही है। घरों का बजट बिगड़ चुका है, आम आदमी त्रस्त है, देश का सत्यानाश कर दिया। आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता इनको सबक सिखाने का काम जरूर करेगी और सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। इतनी महंगाई हो चुकी है कि पेट्रोल 100 के पार हो चुका। एक तो आम आदमी कोरोना से पहले ही परेशान है, उसके बाद पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। यह सरकार हर मौके पर फेल हो चुकी है। इस मौके पर मुख्य रूप से कानपुर मंडल कांग्रेस पार्टी के प्रभारी अंशुल त्रिपाठी, राकेश सचान, पूर्व सांसद गणेश दीक्षित, पूर्व विधायक करिश्मा ठाकुर, योगेश शर्मा, रमाकांत शर्मा, फजलगंज वार्ड अध्यक्ष कमल पाल, वार्ड अध्यक्ष अयोध्या नाथ, वार्ड अध्यक्ष राधेश्याम, वार्ड अध्यक्ष छेदीलाल, हरि किशन भारती, अतीक अहमद, सोनू सरदार, गोविंद गुप्ता, जितेंद्र गिरी, शीलू, भूपेंद्र भदौरिया, ब्रजेश गुप्ता, राजू शाह, भूपेंद्र चंदेल, लक्ष्मी शंकर गुप्ता, जीत सिंह, संदीप दानवीर, हरिशंकर पाल, फरदीन मोहम्मद लईक, कार्तिक शुक्ला, अफजल राहुल, गौरव गौतम, अखिल गुप्ता, अभय प्रताप सिंह आदि लोग मौजूद रहे। पीपीए 24 न्यूज से अनिल यादव की ये खास रिपोर्ट। कार्यकर्ताओं का जो कि इस कड़ी धूप में पिछले 2 घंटे से प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं चाहूंगी कि बड़े भाई आप हम सब की आवाज को और बुलंद करें जोरदार तालियों के साथ। सब जानते हैं कि जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, किस तरह जनता महिलाओं की मांग से परेशान है। एक समय ऐसा भी था जब पेट्रोल और डीजल और बढ़ गया था और शतक मार दिया था भाजपा की सरकार ने, लेकिन आज भी स्थिति कुछ सुधरी नहीं है। कोरोना काल से लोग पहले ही परेशान थे, लॉकडाउन के बाद आर्थिक तंगी और आर्थिक चोट देश की जनता को पहुंची और आज यहाँ डबल पुलिया पर बैठकर पेट्रोल पंप के सामने धरना प्रदर्शन करने का उद्देश्य बस ये है कि पेट्रोल और डीजल के दाम आज आसमान छू रहे हैं। गरीब जनता हो, मध्यम वर्ग के लोग हो, आज हर कोई परेशान है। लॉकडाउन के बाद लोगों की जेब में पैसा नहीं है, घर में किसी तरह रोटी चलाने का काम लोग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार अंधी बहरी और धूमी हो चुकी है। आज सरसों का तेल 200 रुपए पा रहा है, सब्जी महंगी है, फल महंगे हैं, हर चीज में हम देख सकते हैं किस तरह दामों की बढ़ोतरी भाजपा सरकार ने की है। लोग त्रस्त हैं और भाजपा सरकार मस्त है। उनको जगाने के लिए आज यहाँ पर हम सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ आदरणीय राकेश सचान जी और पूर्व विधायक आदरणीय बड़े दक्ष जी भी उपस्थित हैं। युवा शक्ति देश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रही है।